जय हिंद। क्लास सिक्स की ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। बेहद छोटा सा और बहुत इजी चैप्टर है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अर्थ दो टाइप के मोशंस करती है। पहला है रोटेशन, रोटेशन, और दूसरा है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। अच्छा, रोटेशन का मतलब अपन ने इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ जो है वो एक इमेजिनरी एक्सिस पर टिल्टेड है, झुकी हुई है, और अर्थ अपनी इस इमेजिनरी एक्सिस पर घूमती है। अर्थ का ये जो मूवमेंट है अपनी इमेजिनरी एक्सिस पे, इसको बुलाया जाता है रोटेशन, और दूसरा है रिवॉल्यूशन। मतलब इमेजिन करो ये सन है और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है। अर्थ का ये जो सन के चारों तरफ मूवमेंट है, इसे बुलाया जाता है रिवॉल्यूशन। बात करें अगर रोटेशन की, तो अर्थ को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगते हैं लगभग 24 आवर्स, 24 घंटे। अगर बहुत प्रिसाइसली बात करें तो लगते हैं 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड्स। बट चीज़ों को, कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए 24 आवर्स में एक रोटेशन हो जाता है, और इसको बोलते हैं अपन अर्थ डे। अर्थ डे इन्हीं 24 घंटों में दिन और रात होती है। अच्छा, एक और बात, अर्थ अपनी स्फेरिकल है, गोल है, और उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ की जो साइड सन को फेस कर रही होती है उधर तो होता है दिन, और जो साइड अपोजिट होती है उधर होती है रात। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक साइड ऐसी होगी जिस पे दिन होगा और दूसरी साइड ऐसी होगी जिसमें रात होगी। अच्छा, ये जो सर्कल है जहां तक सन की लाइट जा रही है, उस सर्कल को बोलते हैं अपन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के वो वाली साइड जो सन को फेस कर रही होती है वहां होता है डे, और अपोजिट साइड पे होती है क्या, नाइट, रात। दूसरी बात, अगर बात करें रिवॉल्यूशन की, तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है इन 365 1/4 डेज। मतलब 365 days + 5 hours 59 minutes and 19 seconds, और ये लगभग कितना हो जाता है, 6 घंटे। हालांकि अपना एक साल कितने का होता है, यूजुअली 365 days का, कितने का होता है, 365 days का, लेकिन अर्थ को अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 days + 6 hours लगते हैं। और ये 6-6 घंटे जब 4 साल तक ऐड हो जाते हैं तो कितने हो जाते हैं, टोटल 24 आवर्स। और इसीलिए हर 4 साल के बाद हमारा जो कैलेंडर है वो होता है 366 डेज का, और इस साल को जब 366 डेज होते हैं उसको अपन बुलाते हैं लीप ईयर। क्या बुलाते हैं, लीप ईयर। अच्छा, रिवॉल्यूशन से रिलेटेड ये डायग्राम देखो। देखो, ये है सन, ये सन है, और अर्थ जो है वो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सन, अर्थ की ये पोजीशन, अर्थ अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है, रिवॉल्व करी और अर्थ आ गई इधर। ये जो टिल्ट है ये सेम है, पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, और रिवॉल्व करी, अर्थ आ गई यहाँ पे। एक्सियल टिल्ट अभी भी सेम है, फिर अर्थ ने और रिवॉल्व किया और अर्थ आ गई यहाँ पे। एक्सियल टिल्ट अभी भी सेम है, मतलब एक्सियल टिल्ट में चेंज नहीं आएगा। इसकी ज़रूरत क्या है वो अपन देख रहे हैं अभी, लेकिन फिलहाल ये देखो, ये वाला, ये पोजीशन देखो अर्थ की, 21 जून, जून का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां हैं, और इसलिए इसे अपन बुलाते हैं समर सोल्स्टिस। अब समर सोल्स्टिस का असेंशियल मीनिंग क्या है वो देखो, ये है अपनी अर्थ, अर्थ रही, और ये जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, इमेजिनरी एक्सिस पे टिल्टेड है, ये अपने को पता है। ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हो गया आर्कटिक सर्कल, ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल। इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और इधर है सन। ये अपन किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, 21 जून वाली पोजीशन की।
किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, 21 जून की। 21 जून को सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अच्छा एक चीज और, अपन ने अभी अभी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ा है, सन की जो रेज हैं वो यहीं तक पड़ रही हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अर्थ स्फेरिकल शेप में है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ आधे हिस्से पे, अर्थ के आधे हिस्से पे सनलाइट होती है और दूसरी वाली साइड में क्या होता है, रात होती है, अंधेरा होता है। अच्छा इस पोजीशन में सन की जो डायरेक्ट रेज है वो पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और सन की जो मैक्सिमम रेज हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में जा रही हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सदर्न हेमिस्फीयर में जो मैक्सिमम रेज हैं वो कहां तक जाएंगी, यहीं तक जाएंगी, क्योंकि यहां तो आ गया, ये क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसके बियॉन्ड तो सनलाइट जा ही नहीं रही है। अब अगर नोटिस करोगे तो सदर्न पोल पे तो सनलाइट जा ही नहीं रही है, तो ये वो वाला टाइम पीरियड है जब 6 महीने सदर्न पोल पे लाइट जाती ही नहीं है, यहां पे डार्कनेस रहती है या फिर ये कह दो नाइट रहती है, और नॉर्थ पोल पे 6 महीने डे रहता है, क्योंकि हमेशा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इस साइड में, सन वाली साइड में नॉर्थ पोल रहता है और साउथ पोल हमेशा इसके अवे रहता है जब तक ये पोजीशन है। फिर जैसे जैसे पोजीशन बदलती जाएगी वैसे वैसे अपन देखेंगे कि एक पॉइंट पे सदर्न पोल जो है वो सन को फेस करने लग जाता है और नदर्न पोल जो है वो पीछे वाली साइड चला जाता है। ये आइडिया होपफुली समझ में आया होगा। अच्छा 21 जून, तो अब सिनेरियो क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर्स होंगी। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि नदर्न हेमिस्फीयर में डेज कैसे होंगे, डेज लेंथी होंगे इन कंपैरिजन टू नाइट्स, नाइट्स कैसी होंगी, शॉर्ट होंगी। अपन ने अक्सर ये सुना है, गर्मियों में देखा भी है कि दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं, रात जो होती है वो छोटी होती हैं। क्यों, ये देखो ये एक्सियल टिल्ट है, अर्थ जो है वो घूम रही है। अब देखो अर्थ घूम रही है, ये जो डिस्टेंस है अर्थ को घूमना है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को घूमने में ज़्यादा टाइम लगेगा या इस डिस्टेंस को घूमने में, ऑब्वियसली इसको घूमने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये वो साइड है जिस तरफ सन है मतलब दिन है, तो दिन जो होता है वो लंबे होते हैं और अपोजिट में जो साइड है वो नाइट वाली है, नाइट कैसी होती है, छोटी होती है। फिर अर्थ की पोजीशन चेंज हुई, अर्थ इससे इधर आ गई। अब देखो नॉर्थ और साउथ से कोई मतलब नहीं है, नॉर्थ और साउथ यहां तो मतलब था, यहां पे भी मतलब होगा, लेकिन अब अगर देखोगे तो नॉर्थ और साउथ से कोई मतलब नहीं है। अब जो सन की रेज पड़ रही है वो डायरेक्ट कहां पड़ रही है, इक्वेटर पे। कहां पड़ रही है, इक्वेटर पे। तो 23 सितंबर को होता है इक्विनॉक्स, उसका मतलब क्या है, डे और नाइट जो है वो इक्वल लेंथ के हैं, बराबर। ऐसे ही 21 मार्च पे भी इक्विनॉक्स होता है, डे और नाइट इक्वल लेंथ के, और फिर अर्थ जो है वो और रिवॉल्व करके इस पोजीशन में चली जाएगी। और ये बात हो रही है 22 दिसंबर की, जिसको अपन बुलाते हैं विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस का मतलब क्या है, ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहां लाइट रहेगी, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी वहां पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ेंगी, और जो नदर्न हेमिस्फीयर होगा वहां अंधेरा रहेगा, और नदर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाएंगी, विंटर्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाएंगी, समर्स। क्या जाएंगी, समर्स। अच्छा ऑटमन का मतलब क्या है, ऐसा सीजन जब गर्मियां खत्म हो रही हूं, जब गर्मियां खत्म हो रही हो, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा हो, उसे क्या बोल देते हैं, ऑटमन। विच मींस जैसे अर्थ जब यहां से यहां तक मूव करेगी तो गर्मियां खत्म हो रही हैं, मतलब ऑटमन, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा, ऑटमन सीजन आ रहा होगा। और जब अर्थ यहां से यहां मूव कर रही होगी, मतलब गर्मियां अप्रोच कर रही हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां आने वाली हैं, और ये जो टाइम पीरियड है इसको क्या बोल देंगे अपन, स्प्रिंग सीजन। क्या बोल देंगे इसको, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग सीजन। यही सब कहा गया है लैंग्वेज में, किताब की में एक बार फटाफट से लैंग्वेज देखते हैं। देखो एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पर जो घूमती है उसे बोलते हैं रोटेशन, और दूसरा है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ
अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ये जो सन के चारों तरफ अर्थ जो घूम रही है उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन, और अर्थ जो है वो एक फिक्स्ड पाथ पे, या इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं, उस पर घूमती है, रिवॉल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ये अपन बात करते ही आ रहे हैं कि ये जो एक्सिस है ये इमेजिनरी लाइन है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 degrees विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ये देखो, ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन, और इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ एक्सिस जो एंगल बनाती है वो है 66.5 degrees। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। और ये जो अर्थ घूम रही है फिक्स्ड ऑर्बिट पे या फिक्स्ड पाथ पे, ये जो प्लेन है इसको क्या बोल देते हैं अपन, ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, सन से लाइट मिलती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सन से अर्थ के सिर्फ आधे हिस्से को लाइट मिलती है, और जिस हिस्से को लाइट मिलती है वहां होता है दिन। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। आगे देखो, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये देखो इमेज में, ये क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जिस लाइन तक, जिस सर्कल तक अर्थ के हिस्से पे लाइट पड़ती है सन की, उस हिस्से को डे होता है उस पे, और अपोजिट साइड में होता है नाइट, और उस लाइन को, उस सर्कल को अपन क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, एक्सिस अलग है ये रही, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अलग है ये रहा, ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। ये अपन ने पढ़ लिया कि एक रोटेशन में लगते हैं लगभग 24 घंटे, और इसको बोलते हैं अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का डेली मोशन है। आगे देखो, वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ घूमना बंद कर दे अपनी एक्सिस पे तो क्या होगा, इमेजिन करो अर्थ एकदम ऐसे स्टेबल है, ऐसे घूम नहीं रही है, और इधर सन है। अर्थ ऐसे घूम नहीं रही है, ऐसे स्टेबल है, रोटेट नहीं कर रही है, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, एक हिस्से पे लाइट जा रही है और ये कॉन्स्टेंटली अंधेरे में है। जिस हिस्से पे कॉन्स्टेंटली लगातार लाइट जा रही है वहां गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जिस हिस्से पे लाइट जा ही नहीं रही है उस हिस्से पे क्या होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, और ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव करना डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये तो डे और नाइट क्यों रहे, क्योंकि ये सन और अर्थ जो वो रोटेट कर रही है, और यही बात कही गई, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो सन को फेस कर रहा होगा पोर्शन, वहां तो दिन ही होगा, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन, कंटिन्यूस टेम्परेचर राइज होगा। अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, नाइट रहेगी, एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। ये हुई रोटेशन की बात। दूसरा मोशन है रिवॉल्यूशन। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और अपने को पता है कितना टाइम लगता है रिवॉल्यूशन में, 365 1/4 days, एक साल लगभग, और फिर 5 hours 59 minutes 16 seconds और लगते हैं। और वो भी अपन ने देखा कि ये जो लगभग 6 hours एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इनको हर 4 साल बाद ऐड कर दिया जाता है, 366 days का ईयर हो जाता है, और उसको अपन बोलते हैं लीप ईयर। वही सबका आ गया, वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। 6 hours सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 day ओवर ए स्पैन ऑफ 4 years, 4 साल में एक दिन ऐड कर दिया जाता है। This surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, हर चौथे साल में, February is of 29 days. Such a year with 366 days is called leap year. आगे देखें, ये अपने डायग्राम देख ही लिया। देखो, from the figure, it is clear that the Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. ऐसे गोल तो नहीं है ना ये orbit, कुछ elliptical सी शेप में है। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ये अभी अपन ने बात करी कि अर्थ हमेशा ही सेम डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन चेंज नहीं हो रहा।
अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इंटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन सीजन. सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. इस पर अभी अभी अपन ने बात करी है. और फिर वही चीज, 21 जून पे क्या होता है, द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. ये वाली पोजिशन, नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, उसकी वजह से क्या होता है, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अभी डायग्राम में देखा अपन ने, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट. इस एरियाज को ज्यादा हीट मिलती है. द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग. ये अभी अभी अपन ने इस डायग्राम में देखा है कि रेज ऑफ द सन जो हैं वो पोल्स पे जाते जाते स्लैंटिंग हो जाती हैं, और स्लैंटिंग रेज हैं, ये इस रेज की बात कर रहा है, स्लैंटिंग रेज हैं, उसकी वजह से क्या है, हीट थोड़ी कम जाती है, वो अपने को समझ में आता है. देखो कंटिन्यू करते हैं, ये देखो. अच्छा, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन. नॉर्थ पोल जो सन की तरफ इंक्लाइंड है, एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डेलाइट फॉर 6 months. आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड जो जगह है नॉर्थ पोल पे, उनमें 6 महीने तक कंटिन्यूअस डेलाइट रहती है. और दूसरी तरफ नदर्न सदर्न हेमिस्फीयर में अपन देखेंगे तो कंटिन्यूअस अंधेरा रहेगा. आगे देखो, सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इस सीजन में क्या होता है, अपने यहाँ पे गर्मी होती है, समर होती है. द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर ऑन 21 जून. ये अपन ने देख लिया कि गर्मियों में अपने हेमिस्फीयर में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं. सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को. एट दिस टाइम, 21 जून के टाइम के आसपास, एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स. सदर्न हेमिस्फीयर में सब कुछ उल्टा चल रहा होता है. सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, नाइट्स लंबी होती हैं, डेज छोटे होते हैं, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, समर सोल्स्टिस. 22 दिसंबर की अगर बात करें, मतलब अर्थ जब है, जब घूम के इधर आ चुकी है, तो डायरेक्ट सनराइट सनरेज कहाँ पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, क्योंकि सदर्न पोल जो है वो सन को फेस कर रहा है अब. और इसकी वजह से क्या होगा, एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अ लार्ज पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट. और इसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में होती है समर, दिन होते हैं लंबे और रातें होती हैं छोटी, और नदर्न हेमिस्फीयर में सब कुछ उल्टा होता है. नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, रातें लंबी होंगी, दिन छोटे होंगे, और हमारे यहाँ पे पड़ रही होती हैं सर्दियाँ. और इस पोजिशन को अपन क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिस. आगे देखो, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब पोजीशन ये वाली और ये वाली है अर्थ की, तब डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर. अभी अपन ने इस पर बात की, एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. पोल्स का तो कोई लेना ही देना ही नहीं है. सो होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स. और इसको बोल देते हैं अपन क्या, इक्विनॉक्स. 23 सितंबर, ये देखो डायग्राम, 23 सितंबर इस वाली पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये वाली जो पोजीशन है, 23 सितंबर को क्या हो रहा है, देखो, इट इज ऑटमन सीजन इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर. ऑटमन सीजन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, गर्मियां जा रही होती हैं नदर्न हेमिस्फीयर से और सर्दियां आ रही होती हैं. और 21 मार्च को इट इज स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटमन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. दस यू फाइंड आउट दैट देर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजंस बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली. दिन और रात क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है. और सीजंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. और बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, लेकिन 6th के लेवल से जो है वो अपन ने पढ़ लिया. ये चैप्टर खत्म. यहाँ तक और इसमें कोई डाउट हो, प्लीज़ कॉमेंट. थैंक यू वेरी मच.